दोस्तों, बॉलीवुड में खुद के दम पर पहचान बना पाना उतना ही कठिन है जैसे समुद्र की लहरों में उल्टा तैरना, क्योंकि आजकल असली टैलेंट की कदर ही कहाँ है। यहाँ पर तो पहले उन लोगों को पूछा जाता है जिनके परिवार सदियों से बॉलीवुड में राज करते चले आ रहे हैं, चाहे वो उनके बच्चे हों या उनके रिश्तेदार या फिर उनके जान पहचान के लोग हों, और इन्हीं सबके बीच असली टैलेंट दबके रह जाता है और कभी लोगों के बीच आ ही नहीं पाता। मगर आप सब घबराइए नहीं, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऐसे सुपरस्टार जिन्होंने आम जिंदगी जीने के साथ साथ खुद की कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों के दम पर बॉलीवुड में अच्छा नाम बना लिया, और उन्होंने जो भी किया खुद के दम पर किया। ना तो उनका कोई बॉलीवुड में गॉडफादर था, ना ही कोई जानने वाला, और वो भी छोटे छोटे रोल करके सुपरस्टार एक दिन बन ही गए। तो शुरू करें आज का वीडियो, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दूं एक बार फिर से, बुधवार और शनिवार को सुबह 11:30 बजे मेरी वीडियो आएगी ही आएगी। नंबर एक, अरशद वारसी। दोस्तों, अरशद वारसी से आप सभी बहुत अच्छी तरह से रूबरू होंगे। अरशद मुन्ना भाई MBS, गोलमाल, जॉली LLB और गुड्डू रंगीला जैसी मूवी में अपने दमदार अभिनय की छाप छोड़ चुके हैं। मगर शुरुआती दिनों में अरशद ने गरीबी को बहुत ही करीब से महसूस किया था। जब वो बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ बाप ने उनका साथ छोड़ दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी और अरशद अनाथ हो गए थे, और वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए लोकल बसेस में नेल पॉलिश और लिपस्टिक बेचने का काम करने लगे थे। लेकिन अरशद की किस्मत को ये सब मंजूर नहीं था और वो उन्हें गरीबी से दूर बॉलीवुड की दुनिया में ले जाना चाहती थी। बॉलीवुड में अरशद एक कोरियोग्राफर के रूप में आए थे, मगर वो कोरियोग्राफर तो नहीं बल्कि एक अच्छे कॉमेडियन सुपरस्टार के रूप में सबके सामने निखर कर आए। नंबर दो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, किसान परिवार से आने वाला एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग का आज हर कोई दीवाना है। अगर इनके शुरुआती जीवन की बात करें तो इनका परिवार काफी गरीब परिवार था और घर में सदस्यों की संख्या भी ज्यादा थी, इसलिए इनके परिवार में गरीबी का आलम ज्यादा हुआ करता था। लेकिन नवाजुद्दीन ने जीवन में कुछ अलग करने की ठानी हुई थी। इसके लिए उन्होंने अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए चपरासी और केमिस्ट की दुकानों में भी काम किया, लेकिन दिन प्रतिदिन घर के डगमगाते आर्थिक माहौल के कारण नवाजुद्दीन ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ओर रुख कर लिया। यहाँ से उनकी किस्मत का पहला तारा चमका और उन्हें फिल्म सरफरोश में एक रोल करने का मौका मिला। इसके बाद नवाजुद्दीन ने इस तरह की फिल्मों में छोटे छोटे किरदार किए, मगर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से उनको एक अलग ही पहचान प्राप्त हो गई और आज नवाजुद्दीन बॉलीवुड में विलन के रोल के लिए टॉप पर आते हैं और बॉलीवुड में अपने खुद के दम पर अच्छा नाम कमा चुके हैं। नंबर तीन, पंकज त्रिपाठी। दोस्तों, पंकज त्रिपाठी ने अपने करियर की शुरुआत 2004 में अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला स्टारर फिल्म रन से की थी। उन्होंने इस फिल्म में चोर की भूमिका अदा की थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म और मिर्जापुर वेब सीरीज से इन्हें अलग पहचान मिली। बताया जाता है पंकज त्रिपाठी ने कॉलेज के दिनों से पटना के थिएटर में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग को और बारीकी से समझने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। साल 2004 में पंकज अपनी पत्नी के साथ सिर्फ 46,000 रुपए लेकर मुंबई आए थे और उसके बाद से बॉलीवुड में उनका सफर शुरू हुआ। अब वो अपनी जिंदगी के सबसे ऊंचे मुकाम पर है। उन्होंने 2019 में ही मुंबई के काफी महंगे इलाके मड आइलैंड में एक बड़ा सा घर भी खरीदा और उस घर की तस्वीरें वो सोशल मीडिया पर अक्सर शेयर करते रहते हैं। लेकिन आज भी वो छुट्टियां मनाने अपने गाँव ही जाते हैं, क्योंकि गाँव से उनका गहरा नाता जो है। नंबर चार, इरफान खान। दोस्तों, वैसे तो आज हमारे बीच ये होनहार सितारा मौजूद नहीं है। बीते 2 साल पहले इरफान खान दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, मगर इरफान खान ने बॉलीवुड में जो भी किया वो खुद के दम पर किया। इरफान खान का बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था और ना ही उन्हें किसी और का कोई सपोर्ट था। इरफान ने अपने शुरुआती करियर में टेलीविजन धारावाहिकों में पहचान बनाई थी, लेकिन वो धारावाहिकों तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने अपने सपनों को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की। अपने शुरुआती करियर में इरफान ने नेशनल टेलीविजन के शो चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात और चंद्रकांता जैसे धारावाहिकों से शुरुआत की थी, मगर यहाँ उनको ज्यादा पहचान नहीं मिली। उसके बाद वो थोड़ा और ऊपर की तरफ गए और एक मूवी में उनको मौका मिला जिसका नाम था सलाम बॉम्बे, मगर उनकी इस मूवी में काम नहीं बना और उनकी पहचान वैसी वैसी रही। इसके बाद 90 के दशक में इरफान ने कई फिल्मों में काम किया, मगर इरफान को नोटिस किया गया लंदन के रहने वाले एक निर्देशक आसिफ कपाड़िया की फिल्म द वॉरियर में, और वहाँ से ही लोगों को पता चला कि इरफान खान नाम का भी कोई हीरो है जो बॉलीवुड में अच्छा काम कर सकता है। नंबर पाँच, संजय मिश्रा। दोस्तों, संजय मिश्रा बॉलीवुड में अपने हास्य कलाकारी के लिए जाने जाते हैं। एक्टर संजय मिश्रा की एक्टिंग फिल्मों में काबिले तारीफ है। वो फिल्मों में हर किरदार को खुद को बड़ी खूबसूरती से ढाल लेते हैं, लेकिन बॉलीवुड में कदम रखने से पहले उनके शुरुआती दिन काफी गरीबी भरे रहे थे
वो अपने जेब खर्च के लिए एक ढाबे पे काम किया करते थे। वहाँ वो ऑमलेट बनाया करते थे, लेकिन उनको भी ये अंदाजा नहीं था कि उनकी किस्मत उनको किस मोड़ पर लेकर जाएगी। संजय मिश्रा ने एक्टिंग की शुरुआत धारावाहिकों से की, जिसके बाद उन्होंने छोटी छोटी फिल्मों में काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद अमिताभ बच्चन के साथ संजय मिश्रा ने एक विज्ञापन में भी काम किया। ये पहला समय था जब इन्होंने किसी बड़े एक्टर के साथ पर्दे पर अभिनय किया था। उसके बाद वो धीरे धीरे बॉलीवुड में फेमस होने लगे और लोगों के बीच उनकी पहचान बनने लगी थी। तो दोस्तों, ये थे वो पांच सितारे जो अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में अच्छे मुकाम पर पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का तो ख्याल रखिए जरूर।